में आपका स्वागत है। मैं अनुमत किस प्रकार से आपकी सहायता कर सकता हूँ? जी गुड इवनिंग सर, बताइए। हाँ सर, मीशो रेफरल प्रोग्राम के बारे में जानकारी लेना चाह रहे थे। तो हेलो एंड वेलकम दोस्तों, आप देख रहे हैं एंड्रॉइड जंक्शन यूट्यूब चैनल और मेरा नाम है रूपेश। दोस्तों आइए चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपसे हम बातें करने वाले हैं ना कि यहाँ पर किस तरीके से आप मीशो के कस्टमर केयर से कैसे बात करेंगे, जैसा आपने सुना है, और जो नया तरीका है उसी के बारे में आपसे बातें करने वाले हैं। तो वीडियो अच्छी लगेगी तो सपोर्ट जरूर करिएगा वीडियो को, लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब। आए दोस्तों फटाफट इस वीडियो को करते हैं शुरू और सीख लेते हैं ना कैसे कैसे क्या करना है। तो दोस्तों हम आ चुके हैं लाइव स्क्रीन पर जैसा कि आप देख पा रहे हैं, और आइए यहाँ पे सीखते हैं मीशो कस्टमर केयर का नंबर क्या है और बात करने का तरीका क्या है, क्योंकि यहाँ पे सारा सिस्टम अब चेंज हो चुका है। तो आइए सीखते हैं मीशो कस्टमर केयर को कॉल करने का पूरा तरीका और कैसे हम उनसे बातें करेंगे, पूरा प्रोसेस आपको बताता हूँ, ठीक है। हमें करना क्या है, अपने मोबाइल फ़ोन में अपनी मीशो ऐप को ना ओपन कर लेना है। तो आप देख सकते हैं मैंने अपने फ़ोन में मीशो ऐप को ओपन कर लिया, ठीक है। और अब हमें थोड़ा सा वेट करना है, और उसके बाद देखिए हमारे सामने इस तरह से ऑप्शन आता है और हम ऐप के थ्रू ही कॉल कर सकते हैं, क्योंकि मीशो में अब कस्टमर केयर का नंबर नहीं आता है, ठीक है, ऐप के थ्रू ही कॉल जाएगी। तो सिंपल एमआई ऑर्डर्स में जाना है, और आपने कोई ना कोई ऑर्डर तो किया ही होगा, उस ऑर्डर पर क्लिक करना है, ठीक है। क्लिक करने के बाद ऊपर हेल्प सेंटर देखने को मिलेगा, इस पर क्लिक करना है, और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा वेट करना है और किसी एक रीजन को आपको सेलेक्ट करना है, जैसे मतलब कि यहाँ पे कैन आई कैंसिल माई रिटर्न रिक्वेस्ट, यदि हम इस पर क्लिक कर दें, और यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे जैसे डिटेल भी बताता है कि यह इशू हो का आपके इस क्वेश्चन का आंसर भी देता है, लेकिन हमें फिर भी कस्टमर केयर से बात करना है तो कॉल मी बैक पे क्लिक करना है। भाषा लेना, किस भाषा में हमें बातें करना है, तो हमें हिंदी में करना है, हिंदी पे क्लिक किया, ऊपर मोबाइल नंबर देना है जिस पे उधर से कॉल बैक आएगी, और सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद यहाँ पे टाइमिंग दिखा दिया जाता है कि कितने देर में आपको कॉल रिसीव होगी। जैसे आप देख पा रहे हैं कि अभी कस्टमर केयर बिजी है, 34 मिनट मेरा रिक्वेस्ट दिखा रहा है, तो 34 मिनट में मुझे कॉल आएगा, तो मैं वेट करता हूँ 34 मिनट बाद उधर से कॉल आएगा, तो हम बातें करेंगे और आपको सुनाएंगे भी। तो मैं वीडियो यहाँ पे करूँगा पॉज और आपको 34 मिनट बाद सारा कुछ लाइव दिखाता हूँ, ठीक है। तो वेट करते हैं दोस्तों, मुझे कॉल बैक आ चुकी है, 34 मिनट दिखा तो रहा था लेकिन बहुत जल्दी आ गई, और मैं कॉल रिसीव करता हूँ, बातें करके आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। मीशो में आपका स्वागत है, मैं अनुमत किस प्रकार से आपकी सहायता कर सकता हूँ? जी गुड इवनिंग सर, क्या सर सुन पा रहे हैं? हेलो सर, हेलो सर, दोस्तों उधर से कॉल आई थी जैसा मैंने आपको दिखाया, और बात भी मतलब थोड़ा सा किया, देखिए मीशो से कॉल आई थी, तो इस तरह से कॉल आ गया, आप बात कर लीजिएगा, नेटवर्क इशू की वजह से मेरा कॉल कट हो गया, तो आप ऐसे बातें कर लीजिएगा। बाकी कहीं कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करेगा, मैं आपको हेल्प करने का पूरा पूरा प्रयास करूँगा। तो हम देखिए फिर कॉल आ गई, रुके सुना देते हैं। मीशो में आपका स्वागत है, मैं अनुमत किस प्रकार से आपकी सहायता कर सकता हूँ? जी गुड इवनिंग सर, बताइए। हाँ सर, मीशो रेफरल प्रोग्राम के बारे में जानकारी लेना चाह रहे थे। क्या जानकारी चाहिए थी आपको? मीशो रेफरल प्रोग्राम सर, मार्जिन कैसे ऐड किया जाए मीशो में? सर मार्जिन कैसे ऐड किया जाए मीशो पे? यस सर, कॉल पे रहिएगा, मैं आपको प्रॉपर जानकारी प्रोवाइड करा देता हूँ। ओके सर। दोस्तों मुझे तो बस आपको बातें करना सिखाना था, जैसे मैंने सिखा भी दिया, तो मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। हम मिलेंगे किसी नए वीडियो में नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय दोस्तों।